नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बड़ी आसानी से बनने वाली मक्के की रोटी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी रोटी बनेगी, तो आइए मक्के की रोटी बनाना शुरू करते हैं। मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 कप मक्के का आटा ले लिया है और ये 1/2 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसे हम प्याले में इसी आटे में डालेंगे और ये 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन और 3/4 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच तेल। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हल्के गुनगुने पानी की सहायता से रोटी के लिए सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। मक्के का आटा हमने बाइंड कर लिया, इसे अभी हम 3-4 मिनट तक मसलेंगे। आटे को हमने मसल कर चिकना बना लिया है और इतना डो लगाने में पूरा 1 कप पानी लग गया है, बस 1 छोटी चम्मच पानी बचा है। आटे को ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम रोटी बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा और 2 मिनट मसल लेते हैं। ये आटे को हमने थोड़ा सा और मसल लिया, आटा हमारा तैयार है। अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे इसमें से। रोटी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी बना सकते हैं। इस तरीके से हम इस आटे को थोड़ा सा मसलते हुए गोल लोई बनाएंगे। थोड़ा सा दबा देंगे और सूखे आटे में लपेटेंगे। सूखा आटा हमने गेहूँ का लिया है और इसके बाद हम इसको दोनों हाथ की उंगलियों से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अगर हम उस गोल लोई को डायरेक्ट बेल दें तो रोटी की किनारियाँ फट जाती हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे, एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और इधर हम तवे को गर्म करने रख देते हैं। रोटी को बेलकर तैयार करते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से हम इस रोटी को बेलेंगे, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाएंगे। रोटी को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि मक्के की रोटी है, पतली करें तो फट जाएगी। चकले से उठाकर हम रोटी को थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से कर लेंगे, इससे एक्स्ट्रा सूखा आटा भी रोटी के ऊपर होगा तो झड़ जाएगा और रोटी थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी। हाथ पर हीट आ रही है, तवा गर्म है, तवे पर रोटी सेकने के लिए डालते हैं। जब तक हमारी ये रोटी सिक रही है तब तक हम दूसरी रोटी बिल्कुल इसी तरीके से बेल कर तैयार करेंगे। रोटी ऊपर से थोड़ी डार्क हो गई है, नीचे से सिक गई है, हम रोटी को पलट देंगे और रोटी को दूसरी साइड से हल्की ब्राउन चित्तियां आने तक सिकने देंगे। ये रोटी हमारी नीचे से हल्की सी सिक गई है। अब हम इसे डायरेक्ट गैस पर सेकेंगे और दूसरी रोटी तवे पर सिकने के लिए डाल देते हैं। तवे को उठाकर दूसरे चूल्हे पर रखेंगे और चूल्हे को ऑन भी कर देंगे ताकि हमारी वो रोटी भी सिकती रहे। इस रोटी को हम चिमटे से घुमा घुमा कर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। मक्के की रोटी है, थोड़ा सिकने में टाइम लेती है, इसीलिए हमने दूसरा चूल्हा ऑन कर दिया है ताकि हमारा तवा ठंडा ना हो और वो रोटी सिकती रहे, क्योंकि रोटी हमें बड़ी जल्दी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए, रोटी पर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आ गई है, रोटी सिक कर तैयार है। तवे को वापस हम इसी चूल्हे पर रख देंगे, दूसरा चूल्हा बंद कर देंगे। रोटी नीचे से सिक चुकी है और दूसरी ओर बिल्कुल इसी तरीके से चित्ती आने तक सेकेंगे, यानी सारी रोटियां हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और इस रोटी के ऊपर हम घी लगाकर रखेंगे या फिर डायरेक्ट खाने वाले की थाली में परोसेंगे। ये रोटियां हमने सेक कर तैयार कर ली। ये रोटियां हम प्लेट में रख लेते हैं, प्याली हटा देते हैं। मक्के की रोटियां सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी रोटियां बनी हैं। इसके साथ में सरसों का साग, हरे मटर की दाल या फिर कोई गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी परोस सकते हैं। इसके साथ में गुड़ जरूर परोसें, बहुत अच्छा लगता है। और मक्के की रोटियां गर्मा गर्म खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए।
एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।